अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डॉक्टर सामीज़ क्लिनिक। आज एक टॉपिक है, टॉपिक बहुत इन्फॉर्मेटिव है। ना तो ये डिजीज़ है और ना ही ये मेडिसिन है। अगर इस टॉपिक को आपने एंड तक देखा तो आप बहुत सारी डिजीज़ और बहुत ज़्यादा मेडिसिन यूज़ करने से बच जाएंगे। तो चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड तक आपने मेरे साथ रहना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। आपको मेरे वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है उन तमाम माओं को जिनके घर में मोबाइल इस्तेमाल होते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है रेडिएशन ऑफ मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन का यूज़ जब से ये कोरोना हुआ है, ये लॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन में यूज़ ऑफ मोबाइल बहुत ज़्यादा हो गया है हर घर में। बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं, क्योंकि उनका ऑनलाइन तमाम जितनी भी स्टडी है उनकी तमाम ऑनलाइन मोबाइल पर हो रही है, मोबाइल का यूज़ बहुत ज़्यादा है। बड़ों का तमाम शॉपिंग ऑनलाइन हो रही है, इसकी वजह से मोबाइल का यूज़ बहुत ज़्यादा है। तो मैंने देखा अपने एक्सपीरियंस में, कुछ महीनों से जब से ये लॉकडाउन है तो हमारे पास रेशियो ऑफ जो पेशेंट्स हैं ना, उसमें बच्चों की रेशियो थोड़ी ज़्यादा हो गई है, स्पेशली टीन एज बच्चे। और बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप के जो केसेस हैं हमें अब देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं जिनको बहुत ज़्यादा इशू। अब ये जो इशू बच्चे इस वक्त बयान कर रहे हैं, ये ओल्ड एज इशू हुआ करते थे। बच्चे आजकल सबसे पहले इनसोनीमिया, नींद ना आने की शिकायत करते हैं कि उनको नींद नहीं आती है। सारी रात जागेंगे, मोबाइल पे बैठेंगे तो उन्हें नींद कहाँ से आएगी। उसके बाद वो ये शिकायत करते हैं, उनको हेडेक, बहुत ज़्यादा हेडेक की। उसके बाद उनकी शिकायत है वर्टिगोस की, कि उन्हें बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स देखने में आती हैं वो आइस से रिलेटेड हैं। आइस की एक तो वीएन जो है, वीएन बहुत जल्दी से आईसाइट वीक हो रही है बच्चों की, टीनएजर्स की। और उसके बाद उसमें आइस में और भी बहुत ज़्यादा आंखों की बीमारियां देखने में नज़र आई, जिसमें आंखें खुश्क हो जाती हैं, आपको डबल व्यू नज़र आता है, आपको आंखों में बहुत थकन और भारीपन होता है, और एट द एंड आप ब्लाइंडनेस की तरफ चले जाना शुरू हो जाते हो, उनका व्यू बहुत ही डिम हो जाता है। तो इस तरह की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स मुझे टीन एजर्स में और छोटे बच्चों में, छोटे छोटे बच्चों में देखने में मिली। तो मैं बहुत वरीड हुई, तो उस पर मैंने थोड़ा देखना शुरू किया कि आजकल क्या वजह है कि एक ही तरह की कंप्लेन, और वही कंप्लेन जो कुछ अर्सा पहले बड़े लोग हमसे किया करते थे, अब वही तरह की कंप्लेन हमारे साथ बच्चे करते हैं, ये क्या रीज़न है। तो थोड़ा सा मैं गहराई में गई कि आजकल लॉकडाउन है और हर बच्चे ने, आप देखें एक घर में जितने फर्द हैं ना, अप्रॉक्सीमेटली उस घर में उतने ही मोबाइल हैं। हर एक का मोबाइल उसको देना एक अहम ज़रूरत है। अगर हम उसको वो मोबाइल प्रोवाइड ना करें तो ये कोई बच्चे की इंसल्ट सी होती है, फ़लाँ के पास है मेरे पास नहीं, फ़लाँ के पास है मेरे पास नहीं। पहले तो सूटों के मुकाबले होते थे, खाने वाली चीज़ों के, बैग्स के, कलर्स के, इन चीज़ों के मुकाबले होते थे, और अब मोबाइल्स के होते हैं। और इसी तरह जो यूज़ ऑफ मोबाइल है वो बहुत ज़्यादा है। तो एवरेज पर्सन, बहुत गौर से सुनने वाली बात है तमाम बच्चों की, तमाम माओं की, एवरेज पर्सन एवरी डे, हर दिन अगर वो 4 घंटे कॉन्टीन्यूसली वो मोबाइल को इस्तेमाल करता है, तो उसका जो स्क्रीन यूज़ है उससे क्या होता है कि उसके बॉडी के अंदर हेडेक, उसकी बॉडी के अंदर आपको नींद की कमी, उसकी मेमोरी लॉस जो बूढ़ों का बीमारी है, ये सब होना शुरू हो जाता है। और एक दो केसेस में मुझे ट्यूमर भी देखने में मिला, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मैं हर फर्स्ट को एबनॉर्मल बच्चों का फ्री इलाज करती हूँ। पूरे पाकिस्तान से मेरे पास एबनॉर्मल बच्चे आते हैं, उनको मैं मेडिसिन देती हूँ, अल्लाह पाक उनको शफा देते हैं। उसमें देखने में आया कि पहले तो कुछ हिस्ट्री कुछ बच्चों की ऐसी थी कि सीपी हैं या कुछ भी कोई उनका बाय बर्थ डिसऑर्डर है, लेकिन अब देखने में आया कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका बाय बर्थ ऐसा कुछ डिसऑर्डर नहीं था, लेकिन उन बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता ट्यूमर हुआ। और ट्यूमर, आपको पता है ब्रेन ट्यूमर बेसिकली देखा जाए तो है क्या कि आपके दिमाग के जो सेल हैं उसकी एक गिरा सी बन जाती है, देखने को तो वो गिरा सी, इस तरह की गांठें हमारी बॉडी में बेशुमार जगह पर बन जाती हैं जो हमारी बॉडी में कोई इतनी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती हैं, लेकिन वो वाली गांठें जब दिमाग में बनती हैं तो वो ट्यूमर की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। वो ट्यूमर बाज़ दफ़ा सिंपल भी होते हैं, बाज़ दफ़ा कैंसेरियन भी होते हैं। और कैंसर ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर, आपको पता है कि जानलेवा होता है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। अल्लाह पाक हर इंसान को उस अज़ियतनाक तकलीफ़ से बचा के रखे, और जो इस अज़ियतनाक तकलीफ़ में है अल्लाह पाक उनको जल्द से उससे निकालें। तो ये आपके ब्रेन कैंसर का कॉज हो सकता है,
मैं नहीं कहती कि यही कॉज है, देर इज़ अ लॉट ऑफ कॉज, लेकिन हो सकता है कि आपके जो माइंड की जो आपके ब्रेन के वर्क हैं, जो सिस्टम है, उसमें थोड़ी कमी आने लगती है। तो आपने देखा होगा कि जब आप बच्चे ज़्यादा यूज़ करते हैं मोबाइल, तो उनको हेडेक का अक्सर, क्योंकि मोबाइल, आप ये तो मानते हैं कि मोबाइल के अंदर रेडिएशन होती हैं, शुआएँ होती हैं, इसके साथ ये टावर्स लगे हुए हैं जगह पे, बड़े बड़े से टावर्स लगे हुए हैं जहाँ से इसकी रेडिएशन्स आती हैं, और ये रेडिएशन्स जो हैं वो टावर से आप तक पहुँचती हैं, आपके कानों तक पहुँचती हैं। तो कुछ अर्सा पहले आपने भी छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स आए हुए, किसी ने कान पे लगाया, कान फट गया, उसका यही हिस्सा हो गया, किसी ने सर के नीचे रखा, उसका ऐसा हो गया, और उसके बाद किसी ने यहाँ पे रखा तो उसको हार्ट अटैक आ गया। तो ऐसी सब बातें बहुत ज़्यादा, छोटी छोटी वीडियोज़ ना मीडिया पर बहुत ज़्यादा अपलोड हुआ करती थी, तो मैं ये उसको फेक न्यूज़ ही समझती थी। मैं कहती थी ऐसे डराने के लिए बच्चों को ये कहा जाता है। लेकिन जब ये केसेस बढ़ने लगे, तो ऐसा तो मेरे सामने अभी तक कोई केस नहीं आया कि उसने सराहने के नीचे रखा और सुबह तक उसको बम ब्लास्ट हुआ, और उसका देखने में नहीं आया, ये वीडियोस में ही देखा है, पर्सनल मैं ऐसा मैंने कोई केस मैनेज नहीं किया। लेकिन इसकी रेडिएशंस होती हैं, टावर्स हैं, टावर से इसकी रेडिएशन आप तक पहुँचती हैं, वो इतना बम ब्लास्ट वाला इतना सख्त जल्दी से इफेक्ट तो नहीं करती हैं, लेकिन ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता अफेक्ट ज़रूर करती हैं। तो ये मोबाइल से पैदा होने वाली रेडिएशंस जो हैं वो आपको अंधा कर सकती हैं, आपका जो दिमाग का कैंसर है, दिमाग का ट्यूमर है, वो आपको पता है आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी के ऊपर अफेक्ट होता है कि आप अपनी मर्ज़ी से उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, खा नहीं सकते, आपका पूरा बॉडी पैरालाइज फालिज जैसा हो जाता है। अल्लाह रहम करे, बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। बाज़ दफ़ा ये होती है आपको इनहेरिटेडली आपके अंदर ये तमाम वायरस होते हैं, लेकिन जैसे ही आप ये एक्सेस यूज़ ऑफ मोबाइल एंड मिस यूज़ ऑफ मोबाइल करते हैं, तो ये सब चीज़ें बढ़ने लग जाती हैं। तो इन, क्योंकि ये देखें कोरोना की वजह से हमारा मुल्क में लॉकडाउन है, ये हमारी भलाई के लिए है, लेकिन इसको हमने अच्छा देखना है। आपको तन्हाई मिल जाए, आपको अगर बहुत ज़्यादा कामों से बच जाएँ, तो आप अपने अल्लाह को याद करें, अपने खुदा को याद करें, उसको ढूंढें, उसमें डूबें, ना कि आप मोबाइल में ढूंढें। तो सबसे पहले आप अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड करें कि आपको 2 से 3 आवर से ज़्यादा मोबाइल को यूज़ नहीं करना, अगर आप खुद करेंगे, क्योंकि कोई भी वालिदैन जो हैं वो अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल होते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी से आहिस्ता आहिस्ता मोबाइल का इस्तेमाल कम करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके बच्चे भी उसका इस्तेमाल कम कर देंगे। उनको इंडिविजुअल मोबाइल लेके देना बिल्कुल बंद कर दीजिए, और उनके ऊपर पूरी अपनी दोनों आँखें खोल के रखिए कि वो मोबाइल का यूज़ कितना करते हैं। ये मेरी वीडियो उन तक पहुँचाएँ कि वो बच्चे जो इतने खूबसूरत हैं, इतने प्यारे हैं, वो मोबाइल के कॉन्टीन्यूसली इस्तेमाल करने से उनकी आँखें जा सकती हैं, वो ब्लाइंड हो सकती हैं, उनको दिमागी मसला हो सकता है, वो फिज़िकल डिसऑर्डर हो सकते हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। मोबाइल का यूज़ करें, उसमें से अच्छी बेनिफिट वाली चीज़ें लें, उसको मिसयूज़ ना करें। बस खाम खार वक्त व्हाट्सअप देखते रहना या कोई भी मैसेजेस या कुछ, टाइम वेस्ट। आप जैसे आपने एक एक नवाले का अल्लाह को जवाब देना है, सेम इसी तरह टाइम वेस्ट का भी आपने अल्लाह को जवाब देना है। तो ये जो रेडिएशंस हैं जो आपको एक ख़तरनाक मरीज़ बना सकती हैं, उसको ख़त्म करने के लिए आप सबसे पहले रिस्ट्रिक्टेड हों यूज़ ऑफ मोबाइल। क्योंकि जिस वक्त आप सोते वक्त रात को मोबाइल अगर आधा घंटा भी कॉन्टीन्यूसली देख रहे हैं, तो उससे उसकी जो लाइट आपको पड़ रही होती है वो आपके दिमाग के सेल्स को चार्ज रखती है, वो आपको नींद कभी नहीं आने देती है, वो आपके दिमाग को ये मैसेज पहुँचा रही होती है कि अभी दिन है, अभी हमें जागना है। तो जब हम अल्लाह के रसूलों के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे, तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा। तो सोने से कम 1 घंटा पहले मोबाइल को साइड पे रख दें, ताकि आपके माइंड को ये मैसेज मिल जाए कि दिस इज़ द स्लीपिंग टाइम, और बिल्कुल एंड तक सोते मोबाइल देखते देखते सोने की आदत को अपनी ज़िंदगी से निकालिए। अल्लाह पाक इस मोजी मर्ज से आपको और मुझे निकालने की और अपने बच्चों की इसलाह करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हमारा हामी नासिर। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए अल्लाह।